अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आखिर ऐसा क्या हुआ कि माया गिर गई अनुपमा के पैरों में, अनुपमा से मांग ली है माफी। जहां एक और माया नई चाल चलने के लिए तैयार है, अनुज के सामने खुद को सही प्रूफ करना चाहती है, ये दिखाना चाहती है कि उसे एहसास हो गया है कि वो एकदम सही है, उसने जो किया था उस गलती का उसे एहसास हो गया है और वो इस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो अनुपमा के पैरों में गिर गई? क्या अनुपमा माफ़ करेगी माया को? क्या हुआ है, आइए बताएंगे आपको हमारे चैनल टीवी विंडो पे। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि माया ने मांगी अनुज से माफ़ी और वो उससे कहती है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अनुपमा के भी पैर गिर के उससे माफ़ी मांग लूँ। लेकिन जब डिम्पी और समर पहुँचते हैं कपाड़िया हाउस, तो फिर माया डिम्पी से बोलती है कि तुम अनुपमा को बुलाओ। जी हाँ, माया और बरखा चाहती हैं अनुपमा को नीचा दिखाना। उसके बाद जब अनुपमा पहुंचती है कपाड़िया हाउस और अनुज उसे देख के काफ़ी शॉक हो जाता है, लेकिन अनुपमा बता देती है असल में तो डिम्पी ने मैसेज करके उसे यहाँ बुलाया है ये कहने के लिए कि वो चाहती है पकफेरा के रस्म में अनुपमा शामिल हो। लेकिन ये सारा सच समझ में आ जाता है अनुज को कि आखिर डिम्पी ने क्यों बुलाया है अनुपमा को यहाँ, जिसके बाद अनुज माया से बोलता है कि आज ही तुम कह रही थी कि तुम अनुपमा के पैर में गिर के उससे माफ़ी मांगोगी, तो अभी शुरू हो जाओ। जिसके बाद माया के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जहां एक और माया सोच रही थी अनुपमा को नीचा दिखाने, वहां तो अनुज ने पासा ही पलट दिया। क्या अनुपमा माया को माफ़ करेगी या फिर अनुज भेज देगा माया को पागलखाने में? क्या होगा अनुपमा के आने वाले एपिसोड में, देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आपको कितना है इंतज़ार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।